हेलो डियर माय स्टूडेंट्स और जॉब सीकर, माय सेल्फ डॉक्टर नरेश भाटी, डायरेक्टर ऑफ वेल केयर ओवरसीज बेंगलुरु। नाउ डियर माय जॉब सीकर और रिसेंटली ग्रेजुएट स्टूडेंट और रिसेंटली डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट, आज का वीडियो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अगर आपने कोई भी डिप्लोमा या डिग्री फूड टेक्नोलॉजी में, फूड प्रोसेसिंग में, न्यूट्रिशन में, अगर इसमें आपने किसी में भी डिप्लोमा या डिग्री किया है, तो वेल केयर ओवरसीज आपके लिए लेके आया है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप अगर स्किल्ड वर्कर हो, रिसेंटली ग्रेजुएट हो, एक दो साल का एक्सपीरियंस है, तो वेल केयर ओवरसीज आपके लिए ऑप्शन लेके आया है जर्मनी में, जॉब इन जर्मनी इन फूड इंडस्ट्री। तो वहाँ पे जो फूड फैक्ट्रीज है, डेयरी फैक्ट्रीज है, चीज फैक्ट्रीज है, फूड इंडस्ट्री में पैकेजिंग फैक्ट्रीज है, ये सारी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में वैकेंसीज अवेलेबल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि अगर आप रिसेंटली ग्रेजुएट भी हो और अगर आपका एज 18 से 35 तक भी है, तब भी आप एलिजिबल हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात एलिजिबिलिटी के लिए क्या है कि जो भी आपका डिप्लोमा या डिग्री आपके पास है, उसका एक्रीडिएशन एज पर द जर्मन लॉ अनाबिन में आप जाके, नीचे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप चेक कर सकते कि आपकी डिग्री, आप डिप्लोमा कैसे आप उनके इक्विवेलेंट है कि नहीं। एच प्लस कैटेगरी में आपका डिप्लोमा या डिग्री आना चाहिए, आपका यूनिवर्सिटी मींस कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी है एच प्लस कैटेगरी में जर्मनी अगर आपको जाना है ये जॉब वीजा पे, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा रिक्वायरमेंट मैंने बता दिया कि क्या आप तो एलिजिबल होने चाहिए, दूसरा एज कैटेगरी बता दी मैंने, तीसरा इम्पोर्टेंट सबके दिमाग में यही रहता है कि अगर मैं फ्रेशर हूँ तो क्या मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ऑफकोर्स आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आप फ्रेशर भी हो, आप रिसेंटली ग्रेजुएट हो फिर भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका ग्रेजुएशन 2018 से पहले का नहीं होना चाहिए, उसके बाद का अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो इस फूड इंडस्ट्री में जॉब के लिए इन जर्मनी। और तीसरा इम्पोर्टेंट कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो अगर आपका ड्रीम है जर्मनी में जाके काम करना, यूरोप में जाके काम करना, तो जर्मनी बेस्ट डेस्टिनेशन है दोस्तों, और पे स्केल भी वहाँ पे बहुत अच्छा है। तो देरी किस बात की, अगर आपने फूड प्रोसेसिंग में, फूड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, बैचलर, न्यूट्रिशन में कुछ भी किया है, तो हम आपके साथ खड़े हैं आपकी डेस्टिनेशन को पहुँचाने के लिए। ड्रीम आप करिए और डेस्टिनेशन हम लेके जाएंगे आपको। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेके आऊँगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपको सैलरी क्या मिल सकती है, कितना आवर आप काम कर सकते हो, एकोमोडेशन क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पे आप कांटेक्ट करके अपनी कंप्लीट करियर काउंसलिंग फूड इंडस्ट्री में जॉब्स अवेलेबिलिटी जर्मनी में जो है उसके बारे में आप जान सकते हैं, और पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जितना हो सकता है आप करें। तो आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय कर्नाटका, जय भारत एंड जय हिंद।